हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. इट इज एग्जिबिट बाय द बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन. कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन ऑफ टू एलिमेंट, गिव रीजंस. अब देखो क्या है कि बोल रहा है कि कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि कार्बन सपोज सॉरी कार्बन नहीं एलिमेंट्स अपने ही एटम के साथ जुड़ जुड़ कर एक लंबा सा चेन बना ले, तो उस प्रॉपर्टी को ही कैटेनेशन बोलते हैं. ठीक है, अब बोला गया है इट इज एग्जिबिटेड बाय द बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन. बोला गया कि इसको कार्बन और सिलिकॉन दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि कैटेनेशन जो है कार्बन में भी होता है सिलिकॉन में भी होता है, और कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा अच्छा कैटेनेशन होगा. तो कार्बन और सिलिकॉन, इसके अलावा सल्फर भी कैटेनेशन दिखाता है, बोरोन भी कैटेनेशन दिखाता है, तो वो लोग में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में ये ज्यादा प्रॉपर्टी होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं कैटेनेशन सोर्स बाय सिलिकॉन एंड कार्बन. बट ड्यू टू लार्ज साइज एंड ड्यू टू लार्ज साइज एंड हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ सिलिकन, इफेक्ट द कैटेनेशन. सिलिकॉन का क्या होता है, साइज लार्ज होता है और थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि कैटेनेशन इसका रुक जाता है या लिमिटेड हो जाता है कार्बन की अपेक्षा. लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन हैज स्मॉल साइज, कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड इट्स बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस कार्बन सो बेटर कैटेनेशन देन द सिलिकॉन. कार्बन का साइज स्मॉल होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से यह ज्यादा अच्छा कैटेनेशन शो कर सकता है सिलिकॉन से. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल, थैंक यू.